अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आपके साथ है। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं घी तूड़ी, आलू घी तूड़ी। तो इसे हम कैसे बनाते हैं, तो चलिए वीडियो तक चलते हैं और इसमें क्या क्या सामान लिया हमने। तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने घी तूड़ी ले ली है, उसे इस तरीके से काट लिया है, आप देख सकते हैं। और साथ ही आलू लिए हैं, उसे भी इस तरीके से ही काटा है हमने। और साथ ही प्याज ले लिए हैं, दो प्याज हैं छोटे छोटे साइज़ के, इतने इतने साइज़ के दो प्याज। और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, धनिया मिर्चें 1 कटोरी ले लिया हमने, मिर्चें 1.5 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्चें 1.5 टेबल स्पून, मिसाला 1.5 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, नमक हसबे ज़ायका हमने 1 टेबल स्पून लिया है। साथ ही टमाटर ले लिए हैं और उसे भी हमने काट लिया है, तकरीबन 4 टमाटर थे छोटे छोटे साइज़ के, तो उसे काट लिया हमने। तो अभी सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके प्याज ब्राउन करेंगे। तो प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। तो ऑयल हमने ले लिया था पतीली में, तो हम इसे अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो है लाइट ब्राउन कर लिए हमने। और अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ ही अच्छे तरीके से हम मिक्स करके लहसुन अदरक को थोड़ी देर भून लेंगे। तो हमने लहसुन अदरक को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा भून रहे भी हैं इसे, इस तरीके से। फिर इसमें हम अभी टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर शामिल कर देने हैं, टमाटर शामिल कर देने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से अच्छे तरीके से मिक्स करके टमाटर का जो है डाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे तकरीबन 1 मिनट तक अच्छे तरीके से भुना है। तो अभी हमारे अंदर इसके अंदर थोड़ी और अब हम इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके अंदर जो है मसाले शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से भुनेंगे। और साथ ही हमने थोड़ा सा मिर्चें और धनिया जो है वो थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा भून के फिर इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाले जो है नीचे ना लगें। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसे अच्छे तरीके से भुना है, तो इसमें रेगुलर चम्मच जो है हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे, ताकि पानी जो है इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले नीचे ना लग सकें। तो बस अब हम इसे अच्छे तरीके से इसमें भुनेंगे ताकि हमारे मसाले जो अच्छे तरीके से भुन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल जो है ऊपर आ चुका है और मसाला जो अच्छे तरीके से हमने इसे भून लिया है। तो अब हम इसके अंदर जो है अपना घी तूड़ी और आलू दोनों शामिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह घी तूड़ी इसमें शामिल कर दिया हमने और साथ ही आलू भी जो है इसमें शामिल कर देंगे। अब इस तरीके से मसाले में इसे हम मिक्स करेंगे और थोड़ी देर भूनेंगे। पानी अब ऐड नहीं करना है, पानी बाद में देखेंगे अगर ऐड करेंगे तो, अब नहीं, अब इसे मिक्स करेंगे इसी तरीके से। इसे भूनेंगे इस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह इसे हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। तो अब इसके ऊपर हम ढक्कन देंगे, ढक्कन देके इसे छोड़ देंगे। तो कुछ पानी ऐड नहीं किया इसके अंदर हमने, जो तुरई है वो अपना पानी खुद इसमें छोड़ती जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसे भी कवर करेंगे, तकरीबन भी इसे हम 3 से 4 मिनट तक कवर करेंगे और आँच अपने हिसाब से रखनी है। अगर आँच तेज़ होगी तो आप इसे 2 मिनट बाद चेक भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स हमने ना इसे अच्छे तरीके से पका लिया है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल भी ऊपर आ चुका है, माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन सी पकी है आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ी सी हम ग्रेवी रखेंगे,
तो इस तरीके से हम बनाएंगे इसे, और इसका हम अभी चूल्हा स्विच आउट करेंगे, चूल्हा ऑफ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सी बनी है हमारी ये पूरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसे डिश आउट कर लिया, आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बेहतरीन सी लाजवाब सी बनी है। आप भी इसे बनाएं और अपने घर पे खाएं और सर्व करें अपने मेहमानों को, खुद घर वालों को। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अब हम आएँगे कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।